जगत के 24 में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र दुनिया शिरपुर तालुका की आबादी तेजी से बढ़ रही है और गांव के ग्रामीणों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एक बड़ी परिवार को 5-6 परिवार में बांटा गया है। अब चूंकि इस तरह के परिवार के लिए गांव में रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए कई ग्रामीणों के पिछले कई वर्षों से गायरान क्षेत्र के घर और झोपड़ी बनाकर अपना जीवन शुरू किया है। अब अगर ऐसे परिवार को अपने निवास स्थान से हटाना है तो ये परिवार कहाँ जाए? क्या प्रशासन उन्हें कई और आश्रय देने जा रहा है? ग्रामीणों द्वारा सामना किए जा रहे ऐसे प्रश्नों के संबंध में आज शिरपुर तालुका सरपंच संघ ने प्रांतीय साहब से मुलाकात की। यह भी अनुरोध किया गया था कि शिरपुर तालुका के गांव और गेरो क्षेत्र में पुराने कांक्रीट के घरों और घरकुल निर्माण के आश्रयों में नियमितीकरण के संबंध में प्रांतीय साहब के साथ सकारात्मक चर्चा हुई थी। प्रांत ने स्पष्ट किया था कि न्यायालय के आदेश के कारण प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेना कठिन होगा, हालांकि वरिष्ठ से चर्चा करने का वादा किया था। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य चंद्रकांत पाटिल, मंडल सरपंच सुनील माली, सरपंच फेडरेशन तालुका के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सिसोदिया, अजंदे सरपंच और सरपंच फेडरेशन तालुका के उपाध्यक्ष राजेंद्र पाटिल, कलमसरे सरपंच रविंद्र राजपूत, सिंगवे पूर्व सरपंच लोटन हिम्मत पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य गोविंदा थोरात, सरपंच फेडरेशन तालुका संपर्क प्रमुख और सिंगवे उप सरपंच चंद्रकांत पाटिल उपस्थित थे। जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र शिरपूर से ऋषिकेश सिंपी की रिपोर्ट। आणि शिंगावच्या गुरुचरांवर 5 सप्टेंबर आपल्या आदिवासी वस्तीग्रहाचं आदिवासी वस्तीग्रहाचं इतक्या मोठमोठ्या बिल्डिंगा बांधतात केंद्राच्या खूप मोठमोठ्या बिल्डिंगा बांधतात म्हणजे बिल्डिंगला लुटून खातो आणि सगळ्यांना येत नाही सगळ्यांना मग या बिल्डिंगला लुटून खाल्लं आणि कोटी रुपयाच्या खर्च आले आणि खूप मोठ्या बिल्डिंग आहे जनशास्त्राने आवाज आणि